आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल में, प्रधानमंत्री मोदी को आज मैं बधाई देके वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। पर 353 सीट आपने सोचा उसके लिए बधाई नहीं। आज का वीडियो ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक एक्चुअली कमाल है। ये गुजरात के अंदर नया गुजरात है, धरती पे एक स्वर्ग है जिसके बारे में पूरे देश को पता लगना जरूरी है। आप मुझसे कई बार जब मैं देशों की केस स्टडी करता था पूछते थे कि हमारा देश टोक्यो या शांघाई जैसा क्यों नहीं है, दुबई, सिलिकॉन वैली, सियाटल, बर्लिन, सिंगापुर, लंदन जैसा क्यों नहीं है। आज बात करते हैं ढोलेरा स्मार्ट सिटी, देश का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सिंगापुर से डेढ़ गुना बड़ा, मुंबई से ज्यादा बड़ा, जहां पे स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट रोड्स हैं, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम स्मार्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, रोड स्मार्ट, ट्रैफिक का मैनेजमेंट, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि पूरा इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर जगह वायरलेस सेंसर्स, एक ऐसा प्रोजेक्ट। ढोलेरा के बारे में ना पहले आप गूगल पर रिसर्च करना, ढोलेरा के बारे में पूरे देश को पता लगना इतना जरूरी है क्योंकि गुजरात के बारे में जब ये सोचते थे ना मोदी, इनका जो स्केल और स्पीड अद्भुत है। मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया ढोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो ढोलेरा बनेगा, आज जो शांघाई है उस शांघाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो ढोलेरा बनने वाला है, 6 times more। इधर आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि स्मार्ट सिटी तो मोदी जी ने 100 अनाउंस कर दी है। वो एक्चुअली जो स्मार्ट सिटी उनको बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। फर्क क्या है? ब्राउन फील्ड मतलब जैसे फरीदाबाद एक सिटी है, उसको स्मार्ट सिटी बना दिया, एग्जिस्टिंग सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना ब्राउन फील्ड है, पहले से वो है, लेकिन ये पहला ग्रीन फील्ड है, यानी कि पूरा का पूरा नया शहर इकट्ठा ही बना दिया, 920 स्क्वायर किलोमीटर का शहर, हॉस्पिटल ऐसे जिसके ऊपर हेलीपैड है, अफोर्डेबल हाउसिंग का अरेंजमेंट कर दिया, 5000 मेगावाट बिजली, पूरे के पूरे बिहार को जितनी बिजली चाहिए उतनी तो लगभग इन्होंने एक शहर के लिए अरेंज कर दी। बिजनेस के लिहाज से एक शहर के अंदर 4 प्रकार की ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। पहली हो गई रोड, तो उन्होंने 8 लेन 10 लेन सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे बना दिए। दूसरी हो गई पोर्ट, वहां पे उन्होंने समुद्री पोर्ट बिल्कुल नियर बाय एक्सेसिबल क्रिएट कर दिए। तीसरी हो गई एयरपोर्ट, अब समझते हैं उसके लिए इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे, कार्गो के लिए भी, पैसेंजर के लिए भी। और चौथा होता है ट्रेन, तो ट्रेन तो उन्होंने मेट्रो एक ऐसी तैयार करा दी है जो कि अहमदाबाद से ढोलेरा 45 मिनट के अंदर, और विद इन ढोलेरा मेट्रो की सुपर सॉलिड कनेक्टिविटी। मेन मुद्दा पता है क्या है इसमें? मेन मुद्दा यह है कि 10 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ में, 10 लाख डायरेक्ट जॉब और उसके बाद इनडायरेक्ट बहुत सारी जॉब्स। इन्होंने बैरन लैंड को, मोदी जी का विजन देखिए, बैरन लैंड को, जो आप उपजाऊ नहीं थी जमीन, जो बिल्कुल बेकार जमीन थी, उसको एक पूरे नए शहर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मोदी जी कहते कई मोटू करवानू छे, कम ऑन, क्या कई मोटू करवानू छे। मोदी जी का इसमें प्लान अपने एक्सपोर्ट को 4 गुना बढ़ाने के लिए है। उसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा चाहिए, तो एक होता है ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी स्मार्ट सिटी होती है ना, याद रखिएगा, वो डिग फ्री होती है, उसमें गड्ढा खोदने की बार बार जरूरत नहीं है। मैन नेटवर्क, मैन ऑलवेज एट वर्क। कुछ शहर कैसे होते हैं, हर समय आदमी काम कर रहा है, क्यों हर थोड़े दिन बाद गड्ढा खोद दिया, लेकिन उन्होंने एक बार गड्ढा खोद के पूरा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन के नीचे, ICT, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे पूरी स्मार्ट सिटी बन जाती है। सीवेज का वाटर नीचे से निकल रहा है, गैस की पाइपलाइन नीचे से निकल रही है, सब प्रकार की ड्रेनेज नीचे से निकल रही है, तूफान बाढ़ का पानी इकट्ठा हो गया मुंबई के अंदर, पूरी बह जाती है, तबाही हो जाती है, बारिश आती है तो पूरा का पूरा पानी भर जाता है, इसमें कभी नहीं भरेगा क्योंकि ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ नीचे से इतना बढ़िया अरेंजमेंट, टेक्नोलॉजी की दुनिया की बेस्ट कंपनी मोदी जी ला दी है यहाँ पे। और ये क्या कर दिया कि अगर इनका एक हब है, उस हब से सब कुछ ICT से कनेक्टेड है, उस हब को बोलते हैं ABCD बिल्डिंग। इनकी ABCD बिल्डिंग से सारे वायरलेस सेंसर से ऐसे कनेक्टेड है कि अगर कोई आदमी रेड लाइट जंप करेगा ABCD बिल्डिंग में पता चल जाएगा, अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है ABCD बिल्डिंग में पता चल जाएगा, अगर कहीं कोई आपदा विपदा आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ABCD बिल्डिंग में पता चल जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना ABCD, आपकी ऑफिस के अंदर अगर आग लग गई है आपको नहीं पता,
नीचे के फ्लोर में लगी, आप ऊपर बैठ करके काम कर रहे हैं, आपको एबीसीडी बिल्डिंग से फोन आ जाएगा आपकी बिल्डिंग में आग लगी, नीचे उतर जाओ। इतना ज्यादा इन्होंने कनेक्टिविटी पर शुरू से, इसको बोलते हैं फ्यूचर स्मार्ट सिटी, तभी बोल रहा हूं ग्लोबल सिटी। आज सिंगापुर दुबई को पछाड़ने का प्लान है ये। मोदी जी को क्या चाहिए? आपने अपने गुजरात में तो बनाया, मैं आपको बधाई देता हूं, सुझाव क्या है? 50 स्मार्ट सिटी आपको और चाहिए कम से कम ऐसी ही देश के अंदर, जो ग्रीन फील्ड बैरन लैंड प्रोजेक्ट पे, क्योंकि आज भी कई जमीनें ऐसी हैं जो उपजाऊ नहीं है, बिल्कुल बेकार हैं। और अगर ऐसे 50 शहर तैयार हो गए 50-50 लाख की पॉपुलेशन के, तो 25 करोड़ की आने वाली पॉपुलेशन का अगले 25 साल का समाधान आज हो जाएगा। पर सरकारें करती क्यों नहीं है? 5 साल के लिए आती हैं, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। और मोदी जी, आपसे मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले 25 साल की तैयारी अगले 5 साल में करेंगे। एक कॉर्पोरेट कब इंटरेस्टेड होता है? वो कब आकर के इन्वेस्टमेंट करता है? जब उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिल जाए। इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। बस कॉर्पोरेट आया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, एकदम प्लग एंड प्ले, तुरंत काम चालू कर दिया। अब जब फैक्ट्री आएंगी तो फिर कई बार झुग्गी झोपड़ी की जरूरत पड़ जाती है ना, क्योंकि वर्कर लेबर आती है, उसके लिए ईडब्ल्यूएस की प्लानिंग पहले ही कर ली, बहुत दूर की प्लानिंग पहले कर ली कि गरीब आदमी के लिए भी वहां पे मकान हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, सड़क पे चलने वाले लोगों के लिए पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली शेडेड वॉकवे बनाती है कि पेड़ों के नीचे आराम से आदमी हाईवे पे साथ साथ चल सके, वहाँ बाईसाइकिल चला सके, इंजन को रिचार्ज करना है, गाड़ी को रिचार्ज करना है, मोबाइल को रिचार्ज करना है, वॉकवे के शेल्टर्स हैं, बस के शेल्टर्स हैं, कैमरा सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, बच्चों के खेलने की स्पोर्ट्स फैसिलिटी पूरी की पूरी पहले तैयार कर दी, बढ़िया गोल्फ कोर्स पहले से तैयार कर दी है। आज अगर बच्चा को ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है उसी शहर के अंदर कर लेगा। आज इसके अंदर आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट अलग करने पड़ेंगे, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अलग करने पड़ेंगे। जब कमर्शियल रेजिडेंशियल एक साथ आ जाते हैं तो रेजिडेंशियल इलाके में नीचे दुकानें खुल जाती हैं, सड़क पे लोग अपना सामान फैला देते हैं, वहीं साइकिल का पंचर लगा रहा है, वहीं सारे काम हो रहे हैं, पूरी सड़क खराब कर दी है, ट्रैफिक जाम हुआ चला जा रहा है। इन्होंने क्या पहले से तैयारी कर ली? कमर्शियल को अलग जगह दी नीट एंड क्लीन, रेजिडेंशियल को अलग जगह दी नीट एंड क्लीन। आम शहर के अंदर इतना ट्रैफिक जाम, कोलकाता जाओ ट्रैफिक जाम, बैंगलोर जाओ ट्रैफिक जाम, यहाँ पर ट्रैफिक जाम होगा ही नहीं। इसमें ना गुजरात सरकार जानती थी कि अगर मेरे को इसको पूरी तरह से वायरलेस कनेक्टेड स्मार्ट सिटी सेंसर बेस्ड तैयार करनी है तो मुझे इसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करना होगा, उसके लिए मेरे को बेस्ट कंसल्टेंट चाहिए। अब बेस्ट कंसल्टेंट में इन्होंने विप्रो, आईबीएम और सिस्को को साथ में लिया। अब विप्रो, आईबीएम और सिस्को ने मिलकर के डिग फ्री स्मार्ट सिटी तैयार कर दी, टेक्नोलॉजिकली इतनी स्मार्ट और एडवांस जो कि इनके ढोलेरा सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को कनेक्ट करती है आपस में। जो इनका सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो पूरे शहर की सेफ्टी सिक्योरिटी को आपस में पूरी तरह से कनेक्ट कर देता है, यानी कि फायर स्टेशन, यानी कि हॉस्पिटल, उनके पुलिस, किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी सर्विलेंस, किसी भी प्रकार की आपदा विपदा, किसी भी प्रकार का अर्थक्वेक, तूफान, बाढ़, बारिश, ये सारी की सारी चीजें एक ही बिल्डिंग से सेंट्रली कनेक्ट कर दी गई है ताकि कोई भी प्रकार से कोई भी आपदा विपदा एक जगह से पूरी तरह अलार्म और सेंसर्स के साथ तुरंत निपटी जा सके और टीम हाथ के हाथ वहां पहुंच जाए। इसमें कहीं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, ऐसा नहीं कि भाई जी फोन करते रह गए और जी आग लगी हुई है यहां पे, अच्छा जी हम आ रहे हैं, वहीं 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 गाड़ी पहुंच रही है, कब पहुंच रही है मालूम नहीं है, कहीं पे नाला बह रहा है, कहीं पे पानी ज्यादा भर गया है, कहीं कोई पाइपलाइन फट गई है, और कई दिनों तक कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन इधर आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी है, अपने आप उनको पता चल जाएगा सेंसर से कि कहीं पाइपलाइन में लीकेज है, वो तुरंत आएगा और तुरंत आकर के रिपेयर कर देगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी। गुजरात सरकार के बारे में आप जानते हैं, मोदी जी के टाइम से अपने आप को मार्केट करने में ये बहुत तेज है, दुनिया भर से इनको इन्वेस्टमेंट लानी है तो गुजरात वाइब्रेंट समिट, इसके बारे में सारे लोग जानते हैं, मोदी मूवी में भी आपने देखा होगा। इन्होंने ढोलेरा के अंदर क्या किया, एबीसीडी बिल्डिंग मैंने बताई थी ना आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ ढोलेरा एबीसीडी, ये एक वो सेंट्रल बिल्डिंग है ढोलेरा की, जहां पे एक ही बिल्डिंग में जाओ एक ही दिन में बिजनेस के सारे प्रोसेस क्लियर, सारे पेपर क्लियर। जिसको नया बिजनेस चालू करना पड़ता है ना 50 तरह के लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इधर फाइल गई उधर फाइल गई, इधर फाइल गई उधर फाइल गई, कहीं कोई साइन ही नहीं करता। एबीसीडी एक बिल्डिंग, सिंगल विंडो सिस्टम, मोदी जी क्या कहते हैं, चक्कर नहीं काटने दूंगा आपको, आपको चक्कर नहीं काटने दूंगा। बिजनेस के चक्कर में आप अलग अलग जगह जाके चक्कर काट काट के हाफ जाते हैं, मोदी जी कहते हैं वो नहीं करने दूंगा आपको, सिंगल विंडो सिस्टम। सारे कॉर्पोरेट ने विश्वास जाग गया। जब दीदी बोली थी ना, किसको बोली थी, टाटा को, ए जाबे जाबे ए होबे ना, तब मोदी जी ने क्या कहा था, एक मिनट में दूंगा आपको जमीन, तुरंत जमीन दी थी टाटा को।
टाटा की बुद्धि चकरा गई, इसलिए टाटा का बहुत विश्वास है मोदी में। ये जो मैं मोदी मोदी कर रहा हूं ना, पॉलिटिकल तारीफ नहीं कर रहा, बिजनेस की तारीफ कर रहा हूं मैं उनकी। इलेक्शन खत्म हो गए हैं, वीडियो पहले से तैयार था, इलेक्शन के बाद आपको वीडियो इसीलिए दिया है हमने ताकि आप इसको ये ना कहें कि मैं इलेक्शन की वोटिंग को प्रभावित कर रहा हूं, क्योंकि जेन्युइन बिजनेस की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है ना, ये सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर आप देखो सारे कॉर्पोरेट आ गए। स्टेट सब्सिडियरी महिंद्रा लाइफ स्पेस, the pioneers of development of integrated cities under the brand Mahindra World Cities, is signing two MOUs, one for a 3,000 acre development in the special investment region of Dhalera. We have been encouraged to launch a new renewable energy park next to Dhalera, which will spawn an investment of about 12,000 crores. We are also building 4,000 megawatt at Dhalera. Aaj ढोलेरा दुनिया की 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज के अंदर आ गया है। अब सबको मालूम है कि इस समय अब क्या हर जगह एक ही बात हो रही है, ढोलेरा चलो, ढोलेरा चलो, ढोलेरा चलो। हर आदमी अब देश में ढोलेरा ढोलेरा हो रहा है, ढोलेरा ढोलेरा, पूरे देश का इन्वेस्टर ढोलेरा पहुंच रहा है। सबको मालूम है कि भाई जब इतनी ग्रोथ आने वाली है अगले 3 साल के अंदर, तो रेट बढ़ेंगे, तो आज वहां प्रॉपर्टियां बिक रही हैं, लोग आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अहमदाबाद पूरा का पूरा वहां शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद से 45 मिनट का रास्ता है। अच्छा, यहां मैं थोड़ी अपनी भी तारीफ कर लेता हूं। मेरा लीडरशिप फॉरन प्रोग्राम आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा, मैं उसको बड़ा प्रमोट करता था। वहां मेरे दो पार्टिसिपेंट आए थे, राजदीप और धर्मदीप। ये जो राजदीप है, ये इसकी एक अपनी कंपनी थी, 7 Oak Developer। ये रियल एस्टेट में काफी टाइम से काम कर रहे थे। जब ये लीडरशिप फनल में इन्होंने समझा कि अडॉप्शन कर्व को समझना चाहिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज पे जाना चाहिए, फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर ये आगे निकलता है अडॉप्शन कर्व के, इनोवेटर और अर्ली मूवर और जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं वो तेज ग्रोथ ले जाते हैं। थोड़ा गूगल पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, प्रधानमंत्री से लेकर के उस देश के मुख्यमंत्री से लेकर के हर आदमी गुजरात के ढोलेरा की बात कर रहा है। 2-3 साल के अंदर ढोलेरा एक्चुअली कमाल होने वाला है। अब इनसे आकर के लोग प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं बहुत तेजी से, इनके पास जमीनें बच नहीं रही हैं अब, और इनके तरह और भी डेवलपर हैं। पर मैं तो 7 Oak की तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि ये मेरे लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट हैं। मैं इसीलिए खुद भी जब गया ढोलेरा देखने इनका प्रोजेक्ट, तो बड़ा आई गॉट एक्साइटेड अबाउट इट। अगर थोड़ा टॉपिक चेंज करके गियर शिफ्ट करूं, बेंगलुरु की बात करूं, बेंगलुरु को पहले सिटी ऑफ लेक बोलते थे, अभी इसको सिटी ऑफ थर्स्टी लेक बोलते हैं। क्यों? वहां की नदियां एक्चुअली सूख चुकी हैं, पानी वहां पे है ही नहीं। अगर आप नीति आयोग की बात करें, 2020 के अंदर जमीन के अंदर का पानी बेंगलुरु में खत्म होने वाला है। बेंगलुरु में आप जानते हैं वहां पे स्टिंकिंग टॉक्सिक फ्रॉथ, वो जो सफेद रंग की झाग होती है ना, बुलबुले झाग, बच्चों को, छोटे बच्चों को देखने में बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो इतनी स्टिंकिंग टॉक्सिक होती है कि जब वो उड़ के घरों के अंदर जाती है, लोगों को डेंगू मलेरिया अजीबोगरीब तरह की बीमारियां होती हैं। बेंगलुरु की हालत इतनी खराब हो चुकी है, वहां पे पानी है ही नहीं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में जा रहा है, वहां पे टॉक्सिक डिटर्जेंट और केमिकल्स नदियों में जा रहे हैं, जिसके कारण वो फ्रॉथ और वो झाग पॉइजनस बनती है और वो आसपास के पूरे वातावरण को बर्बाद कर देती है। लैंड की प्रॉपर्टी की कॉस्ट कम और वहां पे जनजीवन वातावरण तो पूरी तरह से दूषित। आज जल, वायु और जमीन तीनों दूषित हो चुके हैं। सोल्यूशन क्या है? एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ये जो ETP होते हैं, ETP के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, समझिएगा, गूगल करिएगा। ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं? जब भी कोई केमिकल युक्त पानी निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, हर एक फैक्ट्री को या फिर कॉमन शहर का एक ETP होना चाहिए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे पानी का वापस ट्रीटमेंट करें, उसके बाद उसको नदियों में छोड़ें, कभी नदियां बर्बाद ही नहीं होगी। थेम्स वैली रिवर जो कि यूके में हुआ करती थी, अंग्रेजों के जमाने की पुरानी नदी, ये इतनी टॉक्सिक हो चुकी थी इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, इतनी जहरीली हो चुकी थी कि एक बार थेम्स वैली नदी के अंदर चलता हुआ जहाज किसी कारण डूब गया था और जहाज में सैकड़ों यात्री थे और वो सब के सब पानी में डूब गए और एक्चुअली सारे के सारे यात्री मर गए। मरे क्यों? डूबने के कारण नहीं मरे, उस पानी के जहरीले प्रभाव के कारण मर गए। बाद में यूके की जो सरकार थी अपनी, उनको बड़ा इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस पर इतने सारे इमीडिएट एक्शंस लिए ETP के अराउंड, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट के, जिससे क्या हुआ, वापस सारा का सारा वेस्ट पानी में गया नहीं और आज दुनिया की सबसे नीट और सबसे जबरदस्त क्लीन नदियों में आज नाम आता है थेम्स वैली रिवर का। थेम्स वैली रिवर के बारे में क्या बोलते हैं? उसका पानी उठा के सीधा पी लो, मिनरल वाटर के बराबर है उसका पानी। ये जो इमीडिएट एक्शंस नीडेड ढोलेरा में लिए ना, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि। एक और गियर शिफ्ट, गुड़गांव वालों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मालूम है गुड़गांव दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी माना जाता है, धूल के कारण, धुएं के कारण और तरह तरह के इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण जो आज गुड़गांव की हालत है ना,
आज गुड़गांव में रहने वाला आदमी एक दिन में 50 सिगरेट के बराबर पोल्यूशन अपने फेफड़ों के अंदर ले रहा है। बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके IQ कम हो रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही है, बुद्धि कमजोर होती चली जा रही है। रिजल्ट क्या है इसका? आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और ढोलेरा ने क्या किया? ढोलेरा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर चला गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत स्ट्रांग कर दिया, पेड़ इतने ज़्यादा लगा दिए कभी तकलीफ ना हो, और जो मिट्टी और डस्ट को रिड्यूस करने के लिए डिफॉरेस्टेशन को एफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट कर, ये इसे बोलते हैं स्मार्ट सिटी सोल्यूशन। एक और गियर शिफ्ट करें, दिल्ली में आप निकले ना गाजियाबाद, गाजीपुर के पास जो बड़े बड़े जबरदस्त कूड़े के पहाड़ है, 8848 हिमालय की हाइट जो कूड़े के पहाड़ों की बना दी है, इससे दोबारा जलवायु जमीन सब बर्बाद हो रहा है, एकदम दूषित हो रहा है, आसपास की प्रॉपर्टी खत्म, आसपास के लोग खत्म, मुर्गा मंडी बदबू उतनी निकलती है, वहां से आप जा नहीं सकते, वहां से आप गुजर नहीं सकते हैं। इसके कारण हो क्या रहा है? इतनी सारी बीमारियां, इतनी तकलीफें आ रही हैं, आप ही लोग के लिए कह रहे हैं। आपके आसपास इस तरह के कई कूड़े के पहाड़ होते होंगे जिनको जला दिया जाता होगा, बाद में और पॉल्यूशन होता है, कूड़ा रखा रहता है उससे गंदे तरीके का पॉल्यूशन होता है। इसके लिए क्या चाहिए आपको? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक्स चाहिए। ये जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पहले आपको जो वेस्ट आता है उसको सेग्रीगेट करें, और उसके बाद वेस्ट को सेग्रीगेट करके या तो वेस्ट को कंपोस्ट बना दें, उसको खाद में कन्वर्ट कर दें, या फिर वेस्ट से एनर्जी निकालें। सरल सी बात यह है, हमारे को एक ढोलेरा सिटी नहीं, कम से कम 50 ढोलेरा सिटी चाहिए, ताकि हर ऐसी ढोलेरा सिटी के अंदर 50 लाख की पॉपुलेशन जाकर के एस्टैब्लिश हो सके। 50 ढोलेरा मल्टीप्लाइड बाय 50 लाख मतलब आने वाली 25 करोड़ की जनता का रिहैबिलिटेशन अपने आप हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी लोगों की। अमिताभ बच्चन कहते हैं कुछ दिन गुजारो गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, मैं ये कहता हूं आप एक दिन गुजारो ढोलेरा में। और इस वीडियो से मैं अपने लीडरशिप फोरम के पार्टिसिपेंट है ना राजदीप, 7 Oaks डेवलपर जो वहां सबसे बड़े डेवलपर हैं, आपसे भी सर अनुरोध करता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर अगर ढोलेरा को देखना चाहते हैं तो उनका बड़ा शिष्टाचार और आदर के साथ एक मेहमान की तरह स्वागत आप करें, ताकि लोग समझ सकें। ऐसा नहीं कि केवल बेचने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, आपको ढोलेरा वैसे भी देखना चाहिए, एक दिन तो गुजारो ढोलेरा में। ढोलेरा की जानकारी के लिए आप हमें फोन ना करें, ढोलेरा की जानकारी के लिए आप राजदीप को फोन करें, हमें तो फोन करें। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है और खड़ा करना है, बोर्ड लाइन नंबर ये, फोन लगाने में देर मत करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, और अगर आप भी राजदीप की तरह पावरफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो समझ सके कि किसी प्रकार की सैचुरेटेड मार्केट में नहीं, मोनोपोली के अंदर अर्ली मोर एडवांटेज लेके बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाए, तो दिल्ली में मेरा अगला इवेंट होने वाला है। फोन लगाइए हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे, पता लगाइए कि अगला इवेंट कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, मेरा नया प्रोग्राम जो दुनिया का मोस्ट अफोर्डेबल एंटरप्रेन्योरशिप का मैनेजमेंट प्रोग्राम है, मेरे साथ और कई अरबपतियों के साथ मिलकर के हम आपको ट्रेनिंग करेंगे, और अपने बिजनेस को आप बड़ा करिए, अपने बिजनेस को आप खड़ा करिए। इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है शेयर ऐसे करिए कि हर मंत्रालय तक पहुंचे, आपके लोकल MLA MP तक पहुंचे, लोगों को अवेयर कराइए। आप टैक्स पे करते हो, बहुत टैक्स पे किया, मैं भी टैक्स पे करता हूं, हमारा अधिकार है कि हमारे को आसपास का सराउंडिंग इकोसिस्टम सॉलिड चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताने के लिए, आपका हर बार की तरह प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के धन्यवाद।